कर दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक MI स्पोर्ट बैंड और एक MI नेक बैंड में क्या क्या फ़र्क है। तो अगर भाई आप में से कोई ये बोलेगा कि भाई ये तो किसी ब्रांड ने MI ने ख़रीद लिया है क्या या कुछ भी ऐसा कुछ बोलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी मेरे खुद के ख़रीदे हुए हैं और किसी का मतलब ये नहीं है कि MI ने मुझे भेजे या किसी कंपनी ने भेजे। ये सब आप ही के लिए करता हूँ कि आपको पता चल सके कि क्या चीज़, कौन सा नेक बैंड अच्छा है, कौन सा ईयरफोन अच्छा है, वो सब करता हूँ। तो अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई बटन पर मैंने लिंक दिया हुआ है इसका, मतलब MI नेक बैंड वर्सेज सैमसंग लेवल यू, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं। तो इनके कंपैरिजन में बात करें तो मैं इनकी आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और इनको बेस क्वालिटी क्या है, साउंड क्वालिटी क्या है, वो सब आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ा सा वेट करें क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं मैं तो आपको ये 1400 रुपीज़ का मिल जाता है, आप अमेजन वेबसाइट पर खरीदते हैं या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो। और इसके बारे में बात करूं तो बस एक सिंपल सा ऐसे डालो यहां पे, इसके जो वॉल्यूम बटन है, एक वॉल्यूम रोकर की है, मतलब एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ, और आप कॉल भी इससे पिक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हो। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करेंगे, उससे पहले हम MI नेक बैंड की तरफ चलें। तो नेक बैंड देखने में एकदम स्टाइलिश सा लगता है और आप इसको ऐसे पहन सकते हैं। तार थोड़ी लंबी है पहली वीडियो की तरह ही, पर यह है कि आप इसको आराम से पहन सकते हैं। और बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी तो हम टेस्ट करेंगे ही। अब इसके स्पीकर्स के बारे में बात करें और ब्लूटूथ के बारे में बात करें तो ये 4.1 पे काम करता है। और स्पीकर का टेस्ट करें तो स्पीकर यहाँ से देख रहे होंगे आप, ये ज़्यादा कितने बड़े हैं और ये बिल्कुल एकदम छोटे से। तो चलिए एक बार इनका साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं और मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ अपने फ़ोन में और देखता हूँ कि कौन सा अच्छा चलता है और कौन सा बढ़िया है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अभी आपको 1600 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो मैं कोई भी एक गाना सिलेक्ट करता हूँ जिसमें अच्छी बेस आए, तो मैंने एक गाना जो है अभी प्ले कर लिया है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे MI नेक बैंड के साथ, तो एक गाना प्ले कर लेता हूँ जिसमें बहुत अच्छी बेस और क्वालिटी भी अच्छी है उसके साउंड की। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, पहले प्ले कर लेते हैं एक बार इसको। और अभी हमारा नेक बैंड जो है वो एकदम एक्टिव मूड में है, मतलब देखते हैं कि क्या करने वाला है। और यहाँ से पहले इसकी आवाज़ जो है हम पूरी कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप प्रेस करोगे तो आवाज़ पूरी हो जाएगी। तो चलिए मैंने गाना जो है प्ले कर लिया है अपना, और एक बार इसकी आवाज़ सुनता हूँ थोड़ी सी और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, इनमें ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया बेस जो है एकदम सुनाई आ रही है और बाहर की आवाज़, मुझे अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ तो बहुत कम आवाज़ सुनाई आ रही है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन के लिए अच्छा है। और 1600 रुपये में है तो ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है आपके साथ। तो चलिए इससे अब इस पर स्विच करते हैं एक बार हम और इसको देखते हैं कि ये कैसी आवाज़ करता है। तो MI ब्लूटूथ ईयरफोन जो है ये इसके साथ हमने कर लिया है और इसकी आवाज़ सुनते हैं तो ये, तो फाइनली हमने इसमें भी और इसमें भी दोनों में अपने गाना जो है वो सुन लिया है। पर आपको एक ऑनेस्ट व्यू दूं तो भाई ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सही है, वो चल रहा है, बेस भी है, पर जो एक नॉइस कैंसिलेशन है ना इसमें, जो पूरी प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन हो रही है वो तो शायद या इसकी वजह से, ये थोड़ा हार्ड है इसका और ये सॉफ्ट है, तो शायद इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आप दोनों ईयरफोन्स में से कोई सी भी ईयरफोन चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके साथ जाना है तो आपको 1600 पे करने पड़ेंगे और इसके साथ जाना है तो आपको 1400 पे करने पड़ेंगे। और आप इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल एकदम तार है, और अगर इसकी बात करें तो ये तो भाई फ्लेक्सिबल भी है पूरा और आप स्टाइलिश भी लगेगा थोड़ा। साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी इसमें मुझे बेटर लगी इससे। तो अगर आप चाहते हो इसको ख़रीदना तो प्लीज़ आप फ्लिपकार्ट या कहीं से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।